वेलकम फ्रेंड्स, आज हम ज़ीरो बजट में कवर करने वाले हैं। हमारा एक खाली पोर्च पड़ा हुआ था जो कि यूज़ नहीं हो रहा था, तो घर में जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है और ज़्यादातर हम घर पे ही रह रहे हैं, तो आज हम उस मेकओवर को घर पे पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों से और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम एक पोर्च का मेकओवर करने वाले हैं। ये आपको मैं बिफोर व्यू दिखा रही हूँ कि ये पहले कैसा दिख रहा है। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत सुंदर आता है, चारों तरफ ग्रीनरी है क्योंकि मॉनसून भी है और चारों तरफ यहाँ पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ शाम को बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था, ये बॉक्स का कवर है, इसको मैंने रख लिया था कि बाद में कभी काम आएगा। तो इस पेपर से हम, इस शीट से, शाइनिंग शीट है, इससे हम वॉल डेकोर के लिए डिफरेंट शेप काटेंगे। इसको मैं इस तरह से पलट के रख लूँगी और कुछ सर्कल्स मैंने बना के रखा है और हम बिना वेस्ट किए कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने सर्कल्स ड्रॉ कर लिया है, अब मैं इसको कटआउट निकालूंगी। इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ हमको इसका सर्कल निकालना है। तो इस तरह से हमने पेपर से सर्कल काट लिया है। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. ये एक्रेलिक कलर में मैंने थोड़ा सा वाटर मिलाया और ये रस्सी होती है जो जूट की, इससे सर्कल बनाया और पेंट में डिप करके इस तरह से हमने डिजाइन बनाया। ये आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, किसी पेंटर की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर दिखता है। वैसे तो इसमें बेस कोट व्हाइट करना था, पर ये आउटसाइड के लिए, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट ऑरेंज कर दी थी, क्योंकि इसको मैं डबल और ट्रिपल लेयर लगाऊंगी। साइडेड टेप के हेल्प से हमने इसको स्टिक कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया, अब बस इसको स्टिक करना रहेगा। हमारे पास एक पाइप पड़ा हुआ था टूटा हुआ, जिसको हम पेंट करके इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से हमने दो गमले सेट कर दिया और ये एक शंख रखा हुआ था, शंख में हमने इसी तरह का प्लांट लगा दिया और इस गमले में इस तरह से फिक्स कर दिया। ये पेंट किया था हमने।
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far. एक सिरेमिक का एस्ट्रे पड़ा हुआ था जिसमें हमने प्लांट लगा दिया है. यहाँ पर एक बैम्बू स्टिक मैंने बांध दिया रस्सी के हेल्प से, और यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल और कुछ रियल क्रीपर्स लटकाया है. तो ये मेकओवर के बाद का ओवरव्यू है. Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's